अल्मोड़ा जिले के चितई ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमी बलवंत सिंह हैंडलूम को बढ़ावा दे रहे हैं। बलवंत सिंह ने वर्ष 1996 में अल्मोड़ा के पाताल देवी क्षेत्र में स्थित पंचाचूली हैंडलूम केंद्र में पश्मीना, कंबल और कालीन बनाने का प्रशिक्षण लिया। इस केंद्र में 15 सालों तक काम करने के बाद उन्होंने अपना हैंडलूम केंद्र खोला, जहाँ पर गाँव के करीब 20 लोग काम कर रहे हैं। करीब 15 साल मैंने पंचाचूली में काम किया और वहाँ कई महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए, तो यहाँ पे मैंने अपने घर पे अपना कार्यक्रम शुरू किया और अभी मेरे पास यहाँ पे 20 महिलाएं काम करती हैं। 20 महिलाओं को मैंने प्रशिक्षण दिया और स्वयं अपना काम कर रहे हैं आप। इस हैंडलूम केंद्र से न सिर्फ बलवंत सिंह को अच्छी कमाई होती है बल्कि गांव के लोगों को भी रोजगार मिला है। हालांकि कोविड-19 ने कुछ मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैं चितई गांव की निवासी हूं और यहां मेरे को काम करती हूं वलभन दा के यहाँ। यहाँ मेरे को 2 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए और आजकल ये लॉकडाउन के चक्कर से बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैं चितई गांव में रहती हूं और ये जय गोलू देवता के हैंडलूम में काम करते हैं। यहाँ एक सस्ता है, यहाँ हम 2-4 साल लगभग 4 साल से यहाँ काम करते हैं। यहाँ पहले हमको प्रशिक्षण दिया गया, अब हमको यहाँ पर मंथली के लिए काम में रखा गया जो कि हमारा आजीविका चले और आज और हम लोग अब अपने पर आत्मनिर्भर हो चुके हैं और लॉकडाउन के कारण हमारा काम रुका है। हम चाहते हैं कि हमें लॉकडाउन में भी कुछ न कुछ काम देने की कोशिश करें, ये हमारी अभिलाषाएं हैं।